So can I start now, sir? Proceed. Yes, sir. Good morning, everyone, and welcome to the morning session of the ICT workshop on instructional design. Like Ketan sir had said, a few ground rules to be followed. सबसे पहली बार, all of us have to be on mute. सभी घर से क्लास अटेंड कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स वी कैन नॉट आस्क हमारे सारे घर वालों को टू बी ऑन म्यूट सो द बेस्ट थिंग इज टू कीप आवर माइक्स ऑन म्यूट सो दैट देयर इज नो एक्स्ट्रा वॉइसेस एंड नॉइजेस कमिंग थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन इन दैट एंड जैसे सर ने ऑलरेडी आपको बताया है ऑल द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज दैट यू हैव कैन बी पोस्टेड ऑन द चैट बॉक्स एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू गेट बैक टू यू And of course, our professors are there to guide us and give you the correct answers. And so if you all are ready, we'll start with our workshop. Today's workshop is on instructional design. Instructional design. Term bada bhari bharkam sound karta hai, but it is something that we all do as teachers. It is something jo hum sochte hai comes to us as an instinct, which is very natural. बट ये सब प्रोसीजर्स हम फॉलो करते हैं जब हम अपने क्लास में एंटर करते हैं सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू दैट द मेथोडोलॉजी दैट वी आर यूजिंग एज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज कॉल्ड एडी एडी इज एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मेथोडोलॉजी which is used for organizing and streamlining the construction and development of the course content. In simple words, हम जब कुछ पढ़ाने जाते हैं जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो हमारे पास जो भी कंटेंट होता है जब तक हम उसे अपने आप ऑर्गेनाइज नहीं कर लेंगे या हम उसे एक सीक्वेंस में नहीं रखेंगे हम अपने बच्चों को सही तरीके से इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं सो जो सारा पर्पस ऑफ टीचिंग है वो वहीं पे वेस्ट हो जाता है एंड एडी टर्म ऐसा लगता है जैसे किसी का नाम है बट इट इज एन एक्रोनिम विच स्टैंड्स फॉर एनालिसिस डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड वैल्यूएशन दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दैट कंप्लीट प्रोसेस of organizing our course content. Each step, आपको पहले मैं theoretically explain करूंगी and बाद में in the second part of this capsule, Hameeda Thanewale will be showing you how to create those processes. And these steps are created, the course content that have been created have to be followed in a given order with focus on reflection and iteration. मतलब आपने तो कोर्स अपने लिए क्रिएट कर लिया आपको पता है आप क्लास में जाके बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं बट अगर वो एक सीक्वेंस में नहीं रहा तो क्या उसका कोई फायदा होगा नो आई डोंट थिंक सो एंड आपने पढ़ा दिया आपने सीक्वेंस फॉलो कर लिया बट अगर आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं या ना आप उस पर कोई फीडबैक लेते हैं ना उसको रिपीट करते हैं तो क्या आप इसको इम्प्रूव कर पाएंगे उस मेथड को सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर क्रिएटिंग आवर कोर्स आफ्टर ऑल हमारा उद्देश्य एक ही है दैट जो भी हम पढ़ा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए And this model, the EDI model of instructional design, provides feedback for continuous improvement. So, har stage pe, aapka ek feedback process rahega, which will help you to improve what you have already created. Aapne course content bana to liya, but are you so sure ki jo bhi aapne banaya hai, wo ekdam best hai, that you cannot improve upon it, that you cannot add something to it? अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हमें ये फीडबैक भी इंक्लूड करना चाहिए एंड दैट इज व्हाट द एडी मॉडल हेल्प्स अस टू डू एंड फाइनली ऑनलाइन टीचिंग
इस एडी मॉडल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस हमको अभी समझ में आता है जब हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, बिकॉज एट एवरी स्टेज वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. अभी वो हमारे पास वो लग्जरी नहीं है कि हम बच्चों को वन टू वन फेस टू फेस बात करके उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें. सो जो वो आधा घंटा या 40 मिनट का पीरियड है, दैट इज ऑल वी हैव गॉट. सो उस 40 मिनट्स के अंदर हमें उन्हें पढ़ाना भी है, उनका फीडबैक भी लेना है, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसे हमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उन्हें प्रेजेंट करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू गो अबाउट ईच ऑफ दीज स्टेप्स एंड क्रिएट अ परफेक्ट कोर्स कंटेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स. ADDIE, ADDIE. So let's start with A. A is the analysis of needs, requirements, tasks, and of the needs of your students. The analysis में क्या होता है कि आप जो current situation है उसको आप analyze करते हैं and understand करते हैं कि इस अब बच्चों की requirement क्या है. एनालिसिस का मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करना है, बट आपको पढ़ाने से पहले इतना समझ में आना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चों का कितना ऑलरेडी नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज उनके पास अवेलेबल है, प्रीवियस नॉलेज में कितने गैप्स हैं जो उन बच्चों का कुछ बच्चे होंगे जिनको ठीक से समझ में नहीं आया है, बट उन्होंने बोल दिया यस मैम और आप आगे बढ़ गए. सो एट दिस स्टेज ऑफ एनालिसिस आपको ये सब चेक करना है कि कितने बच्चे हैं जिनको ठीक से समझ में नहीं आया है, क्या नॉलेज का गैप है, टॉपर्स अलग जगह हैं एंड द बैक बेंचर्स उनकी अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी. तो वेयर इज दिस गैप, हाउ मच इज द गैप, वॉट इज इट दैट आई हैव टू टीच एंड हाउ इज इट दैट आई हैव टू टीच that so that ये जो नॉलेज गैप है वो कवर हो, इनके प्रीवियस नॉलेज का लेवल क्या है ताकि मैं अगर कुछ पढ़ाऊं तो इन्हें समझ में आएगा या नहीं, ये सब कुछ आपको पहले एनालाइज करना पड़ता है. और एनालाइज करने के लिए कोई बड़ा क्वेश्चनेयर बनाना है या उनको कोई स्पॉट इवेल्युएशन करना है, ऐसा कुछ नहीं है. आप ये कर सकते हैं बाय आस्किंग देम सम सिंपल क्वेश्चंस, सम वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस अबाउट दैट टॉपिक. जैसे मान लीजिए कि आप फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हैं इन ग्रेड 7, तो आप उनको अ फ्यू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ऑन फ्रैक्शंस. व्हाट इज दिस काइंड ऑफ अ फ्रैक्शन कॉल्ड, व्हाट इज दैट काइंड ऑफ अ फ्रैक्शन कॉल्ड, व्हाट आर से इफ इट इज गिवन हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट. आस्क देम अ फ्यू क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस एंड सी कि उनको कितना आता है, कितना समझ में आता है, क्या सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से वो वाकिफ हैं. अगर ये हो गया है सो गुड. सो नाउ यू नो कि आपका बेस लेवल क्या है, आपको क्या क्या गैप्स कवर करने हैं और आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं टू प्रोसीड. वंस यू हैव गॉट दिस इन प्लेस यू विल गो टू द नेक्स्ट लेवल विच इज द डिजाइन लेवल. डिजाइन लेवल में दिस इज बेस्ड टोटली ऑन योर एनालिसिस. जो भी आपने एनालाइज किया है अभी उसके बेसिस पे आप ये कोर्स उनके लिए डिजाइन करेंगे. डिजाइन का मतलब है दैट यू विल डील विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, देयर असेसमेंट्स, देयर एक्सरसाइजेस, कंटेंट, ये सारी चीजें आप अभी इसमें कवर करेंगे. जैसे जब आपने एनालिसिस किया था तो जो आप स्लाइड बनाएंगे उसमें यू विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट. जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, so then you'll say okay the subject is history, the board is CBSE, the standard is 6th, the chapter is Ashoka, and इस तरह से आप अपना analysis prepare करेंगे कि ये चीजें मैं कराने वाली हूँ. अभी वही चीज जब आपको design में बनाना पड़ेगा तो आपको और थोड़ा इसको एक अलग perspective, एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा. That what is it I'm going to do? Systematically आपको identify करना पड़ेगा, develop करना पड़ेगा और evaluate करना पड़ेगा आपके सारे strategies,
for achieving that goal. So what can you do? What you have to do is try and develop a storyboard. A storyboard is something that helps you visualize the big ideas. जैसे आपका comic books है, when you open a comic book, you can see इसमें काफी सारे images होते हैं. हर photo एक अपने में ही कहानी बता रहा होता है. So अगर आपने first image देखा, तब आपको second image समझ में आएगा कि उसमें क्या है, वो character का development कैसे हो रहा है, वो dialogues की development कैसे हो रहे हैं. Similarly, जब आप अभी अपना course develop करेंगे, यहाँ पे भी एक storyboard format में आप develop करेंगे. Like first, you will say, okay, this is like we'll continue with the same example of history. अभी आप जब storyboard बनाएंगे, then आप पहले लिखेंगे about what is an empire and a kingdom, what are their differences. You will give a maybe a brief history of Ashoka's empire, or what were his achievements, why is he called the great Ashoka, the great emperor, or a very, why is he so famous. Then you will talk about his conquest. Ek sequence follow karenge to build up that interest in the story, to build up an interest in what you are teaching. Agar aap ek random way mein isko treat karenge, so then what happens is the knowledge is getting all dispersed. It is not going in a sequence. आपने पहले बुद्धिज्म के बारे में बात किया, फिर आप बोल रहे हैं कि वो एक बहुत ही बड़े एम्परर थे, फिर आप बोल रहे हैं कि उनका एम्पायर का एक्सटेंड क्या था. सो आपने इंफॉर्मेशन तो दे दिया, बट इज इट रियली मेकिंग सेंस. सो यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड वेयर ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन अ सीक्वेंस. नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज योर डिलीवरी फॉर्मेट. अभी क्योंकि हम लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, विच हैज बिकम द न्यू नॉर्म, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इट. क्या आप सिर्फ लेक्चर मेथड यूज करेंगे? सो क्या हो सकता है, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन, डिलीवरिंग द नॉलेज टू चिल्ड्रन माइट बी मेट, बट आर वी रीचिंग द गोल ऑफ passing on that knowledge to our students? क्या हमारे बच्चे ये बात समझ रहे हैं? सबसे बड़ा challenge presently for all teachers एक ही है, to keep the interest of the students in the class. और ये तभी हो सकता है जब हम वो अपने delivery format पे concentrate करें. So we can use a lot of images, or we can use lot of activities and exercises, or maybe show them some videos, lot of things. तो ये भी एक सीक्वेंस में आना चाहिए, क्योंकि अगर वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, आपने एक्टिविटीज तो बहुत अच्छे, बहुत प्यारे एक्टिविटीज प्लान कर लिए, पर आपने कहा कि नहीं, पहले मैं सारा कुछ पढ़ा लेती हूँ, फिर मैं जाके एक्टिविटीज कराती हूँ, then the whole objective is lost. Maybe इस एक्टिविटी का सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ज्यादा होता, अगर इम्पैक्ट ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ता, अगर आप ये एक्टिविटी पहले उनसे कराते और फिर आगे पढ़ते. लाइक अगर आप एक इंग्लिश टीचर हैं और आप कुछ उनको करवाना चाहते हैं ग्रामर में, तो यू हैव प्लान्ड अ फ्यू एक्सरसाइजेस, बट ये एक्सरसाइज मैं तभी कराऊंगी जब मैंने सब कुछ पढ़ा लिया है. अगर आप ऐसे करेंगे तो शायद बाय दैट टाइम आधे बच्चे तो वैसे ही निकल गए होंगे, दे विल नॉट बी इवन लिसनिंग टू यू. सो द होल पर्पस इज लॉस्ट. So the objective of designing is for you to create a sequence which is keeping in mind the requirements of the children. कि उन्हें क्या चाहिए, और मैं ये चीज जब उनको deliver कर रही हूँ तो वो कितने receptive हैं, कितने open हैं to accept all these things. Now after designing we go to the development stage. In this stage अभी आपने एनालाइज कर लिया, सो आपको पता है कि आपके स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट क्या है, एंड अभी आपने उस बेसिस पे, आपके एनालिसिस के बेसिस पे आपने डिजाइन भी कर लिया आपका कोर्स, कि आप उसमें क्या क्या कराने वाले हैं, कैसे कराने वाले हैं और क्या कराने वाले हैं. अभी ये सबको आप यूज करेंगे टू डेवलप अ प्रोटोटाइप. आप इस चीज का, यू विल ब्रिंग ऑल योर लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू लाइफ by building your
ओन एंड प्रोडक्ट. अभी जो आप उनके लिए एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे उसमें ये सब चीजें रहनी चाहिए. और ये जो मॉड्यूल आप क्रिएट करेंगे दिस विल बी बेस्ड ऑन द स्टोरी बोर्ड. सो यू नो दैट आपने जो स्टोरी बोर्ड क्रिएट किया था जिसमें आपने एक सीक्वेंस मेंटेन किया था उसके बेसिस पे अभी मैं ये प्रेजेंटेशन डेवलप करूंगी. सो बेस्ड ऑन दैट यू विल मूव अहेड. तो अगर आपको एक्टिविटीज इंक्लूड करना है या कोई एक्सरसाइजेस इंक्लूड करना है सो यू विल मेक श्योर दैट जो आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं इस ये सब स्लाइड्स आप उसमें इंक्लूड करेंगे. बट वॉट यू हैव टू बी केयरफुल इन द डेवलपमेंट स्टेज आर अ फ्यू थिंग्स. लाइक फर्स्टली हियर यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ ग्राफिक्स. मतलब आप इंटरनेट से डाउनलोड करके इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियोज डाल सकते हैं, काफी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल कि जो आप मटेरियल उसमें लगा शेयर कर रहे हैं आर ऑफ गुड क्वालिटी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने इमेज डाउनलोड करके डाला है इट इज नॉट कमिंग आउट प्रॉपरली बिकॉज उसका पिक्सल ठीक नहीं आ रहा है या वो वीडियो ठीक से रन नहीं कर रहा है. सो प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दैट. नेक्स्ट, क्योंकि आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप द कलर स्कीम एंड द फॉन्ट्स ऑल्सो इन माइंड. Making it too glaring, too colorful will distract them. And the fonts should be clear. Unko saaf saaf dikhna chahiye. Because kuch bache laptop use karte hain, kuch tabs use karte hain, aur kuch even mobile phones use karte hain. So agar fonts are too fancy aur kuch jyada hi wo ghumao tight hai, to wo clear nahi rahega and they will not be able to see it clearly on that small screen. So, इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही हमें अपना प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए. ऑल्सो इस बात का रहना है दैट इट शुड हैव अ विजुअल अपील. ऑलरेडी वो लोग एक ऑनलाइन फॉर्मेट में पढ़ाई कर रहे हैं सो द लीस्ट वी कैन डू टू कीप देयर इंटरेस्ट इज एटलीस्ट वो प्रेजेंटेशन उनको प्लेजेंट लगे एंड दैट इट इज विजुअली अपीलिंग टू देम दैट दे फील नाइस लुकिंग एट इट. And there's a whole lot of things that they will want to see and learn from this whole thing. Chahe wo yahin se padh le, but at least kuch to padhe taki unko lage ki arey it's looking so nice, this is looking so colorful. Let me at least read ye kya likha hai ma'am ne yahan pe. So these small little things are very important when you're creating your own content. Also, ye to aapne bana liya. I'm very sure you will keep all these things in mind aur aapne ek बेहतरीन कोर्स कंटेंट डेवलप कर लिया. बट आफ्टर दैट दिस वन इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेस्ट इट. फॉर टेस्टिंग इट व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि आप वन बाय वन ईच स्लाइड को इन डेप्थ क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे कि क्या है, आर देयर एनी स्पेलिंग एरर्स, आर देयर एनी ग्रामेटिकल एरर्स, एनी सिंटैक्स, ये सब कुछ चेक करना पड़ता है बिकॉज फाइनली ये सब कुछ स्क्रीन पे बच्चों को दिखाई देगा एंड वी कैन नॉट टीच देम समथिंग विच इज रॉन्ग. अगर हम उनको गलत स्पेलिंग या गलत ग्रामर सिखाएंगे तो वो भी वही चीज सीखने वाले हैं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो आप एक बार उसे पूरा टेस्ट कीजिए. गो थ्रू द कंप्लीट प्रेजेंटेशन बाय योरसेल्फ. आप अपने कलीग्स का हेल्प भी ले सकते हैं. प्लीज शो इट टू देम, आस्क देम कि एक बार देख लो, क्योंकि आपने खुद बनाया है. देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट ओवरलुक अ फ्यू मिस्टेक्स. तो आप अपने कलीग्स को पूछिए, जस्ट गो थ्रू दिस, हैव अ लुक, टेल मी कोई गलती हो गई है, कुछ चेंज करना है, तुमको क्या लगता है, इज द सीक्वेंस ऑल राइट. सो ऑल दिस थिंग्स यू विल हैव टू डू टू मेक श्योर दैट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आप उनको प्रेजेंट कर रहे हैं इज मेंटेन्ड. कि जो भी आपने कंटेंट यहाँ स्क्रीन पे उनको दिखाया है इट इज नॉट something that they can say कि मैम जो आपने यहाँ लिखा है ये तो ऐसा नहीं है. So then it becomes a little embarrassing for all of us. Also, we have to check about the navigation. When I mean navigation, I mean about the sequence. आपने तो एक बहुत ही उम्दा presentation बनाया है but क्या sequence maintain किया है? अगर आप पहले बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं then you are telling about अशोका, देन आप उनके पूर्वजों के बारे में, उनके उनसे पहले वाले सारे एम्परर्स के बारे में बात कर रहे हैं, देन द होल सीक्वेंस इज लॉस्ट. सो हाउ डू यू गो अबाउट इट?
यू हैव टू मेंटेन दैट सीक्वेंस कि पहले मैं इंट्रोड्यूस कैसे करूंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में किस टॉपिक पे जाऊंगी, उसके बाद कौन सा टॉपिक जाएगा, एक एक करके स्टेप वाइज आपको आगे पढ़ना पड़ेगा. सो नेविगेशन, इसका मतलब है कि जो आप सीक्वेंस सेट करेंगे इट शुड मेक गुड सेंस, इट शुड गो लाइक एन ईजी फ्लो, आराम से एक के बाद एक स्लाइड आपका इजीली आगे बढ़ रहा है. एंड देन फाइनली यू हैव टू टेक अ फीडबैक, यू हैव टू आस्क फॉर इट टू बी रिव्यूड. आपने अपने को टीचर्स को पूछा है, अपने कलीग्स को पूछा है कि अभी आप बताओ व्हाट आर द थिंग्स अब जो आपको लगता है दैट आई नीड टू इम्प्रूव. क्या मैं ये स्लाइड चेंज करूँ, या मैं इसका लुक चेंज करूँ, या मैं इसका अपियरेंस चेंज करूँ, या डू यू थिंक कुछ और फोटोज ऐड करना चाहिए, या ये वीडियो अलग से प्ले करना चाहिए, वट एवर शुड आई इंक्लूड दीज एक्सरसाइजेस, जो भी आपको अच्छा लगे और जो भी आपको लगे इज ऑफ इम्पोर्टेंस, प्लीज गेट अ रिव्यू, गेट अ फीडबैक फ्रॉम योर कलीग्स, फ्रॉम योर को टीचर्स, सो दैट वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग इज गुड. नाउ कम्स द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, इम्प्लीमेंटेशन. अभी आपने एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन बना लिया है, आपने एनालाइज कर लिया था कि आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको क्या पढ़ाना है, कितना पोर्शन कवर करना है, उसके बेसिस पे आपने एक स्टोरी बोर्ड डिजाइन किया और आपने अपना सीक्वेंस सेट किया कि मैं पहले ये करूंगी, फिर ये इंट्रोड्यूस करूंगी, फिर उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, ऐसे करके आपने एक सीक्वेंस सेट किया. उस बेसिस पे आपने अपना एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है विच हैज बीन टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय अदर्स, विच हैज बीन इवैल्यूएटेड बाय द अदर्स. नाउ इट इज ओपन फॉर द टारगेट ऑडियंस. टारगेट ऑडियंस इन दिस रिस्पेक्ट इज योर क्लास, आपके बच्चे जिनके लिए आपने बनाया है ये वर्क, ये प्रेजेंटेशन. सो अभी आपको देखना है कि ये जब इम्प्लीमेंट हो रहा है तो व्हाट हैज बीन द रिस्पॉन्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस. आपने बच्चों के लिए बनाया बट बच्चों ने उसे कैसे एक्सेप्ट किया, हैव दे रियली लाइक्ड इट, क्या उनको बहुत मजा आया आपका ये प्रेजेंटेशन देख के, डिड दे फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव, उसमें काफी कुछ था जो उन्होंने सीखा, जो नया भी सीखा जो टेक्स्ट बुक में नहीं था, कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स देखने को मिले, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिले, एक फन एक्टिविटी भी किया. सो ये रिस्पॉन्स आपको आपके बच्चों से मिलेगा एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू इम्प्रूव. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एडी मेथड, बिकॉज इधर सबसे ज्यादा वो फीडबैक पे स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक ही आपका वर्क इम्प्रूव करेगा. जब तक आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं या कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं, देयर इज नो वे यू कैन इम्प्रूव. तो ये फीडबैक इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वो फीडबैक के लिए यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू सी कि आपके बच्चे इसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या रहा. अगर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ये आपने जो दिखाया व्हाट इज इट, व्हाई इज इट, हाउ इज इट हैपनिंग लाइक दिस, दैट मीन मे बी आपने वो नॉलेज गैप फिल नहीं किया, आपने उनको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया है बिकॉज ऑफ विच वो नॉलेज गैप इंक्रीज हो गया है, या मे बी इट वॉज नॉट रेलिवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास. सो दीज थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन चेक एंड फॉर दैट यू हैव टू कंटिन्यूसली ऑब्जर्व what your students are doing, how they are responding. And for that, you will also have an evaluation. Evaluation is now, what is your response? What is the knowledge acquired? Aapne sikha to diya. But have they understood it? Have they understood the concepts? Unko har slide mein samajh mein aaya hai ya nahi aaya hai? So how do you do that? One is आप उनसे पूछ सकते हैं कि बेटा did you understand this, any doubts, did that, एक तो आप वैसे कर सकते हैं, या you could have a small spot evaluation, you can just ask them okay let's have a quick poll and then give them a quick poll, it's interesting, it's distracting and it also involves the students. Sorry, one sec. So what happens? You got it all. You're able to implement and you're able to evaluate.
So this is what EDDIE is all about. What I have told you just now is just the theory. So आपको लगता होगा कि यार ये सब क्या है, अभी हम इसको कहाँ यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे. अभी ये चीज आपको हमीदा थानावाले समझाएंगे by showing you how under each of these processes you will be creating the required slides. Okay, so thank you for your patience. I hope I have been able to achieve my objective, and now I'll pass it on to Hameeda. Thank you so much, Gomti. You have explained in a crystal clear manner, which has made my task easier. So thank you so much. Hello friends, myself Hameeda, and I'll be taking you through the practical knowledge of how we are going to go about it. आपने पूरा समझ लिया किस तरह से कॉन्सेप्ट को समझ लिया इन डिटेल कि एडी क्या है. ओके, एनालिसिस है, डिजाइन है, डेवलपमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है और इवैल्यूएशन. ये पांच चीजों से अपना लेसन बना हुआ है. तो अब इसको हम किस तरह से प्रैक्टिकली करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आईसीटी है वो अपना एसवाई बीएड का एबिलिटी कोर्स 1 है. आई जस्ट शेयर विथ यू ऑल. Hope my screen is visible. Okay, so this is the ability course 1 जो FYBAT के STEM 1 में आपको करना रहेगा, critical understanding of ICT. तो ICT के अंदर जो भी techniques और वो सब है उसके बारे में आप लोग study करोगे और उसका पूरा assignment है जो आपको करना रहेगा. तो इसमें जैसे पहला वाला जो है दैट इज व्हाट्सएप के ऊपर है, जिसके बारे में आपको प्रियंका मैम डिटेल में बाद में समझाएंगे. वी आर गोइंग टू लुक एट द सेकंड पार्ट, डेवलप एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट अ सीआई पैकेज दैट इज स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्टोरी बोर्ड यूजिंग एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन फॉर एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस. तो राइट नाउ हम लोग ये बी पार्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि एग्जैक्टली हमको करना क्या है. ओके, तो आ जाते हैं फिर से. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, हम जो भी बनाएंगे दैट इज गोइंग टू बी अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. एंड आई एम श्योर आप लोग सब पावर पॉइंट यूज करने में काफी माहिर होंगे, आपको अच्छी तरह से आता होगा. बट फिर भी मैं आपको अच्छे से एक डेमो देने की कोशिश करूंगी, जितना मुझे आता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी. ओके, तो सबसे पहले ये जो कोर्स है, जो हमारा असाइनमेंट है आईसीटी कोर्स से रिलेटेड, इसके लिए हमको एक पीपीटी बनाना रहेगा. पीपीटी के लिए हमको मैटर लगेगा. तो मैटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग कीप इन योर माइंड कि आपको पूरे पूरे बीएड के कोर्स में जब भी आप कुछ भी बना रहे हो, कोई भी लेसन प्लान बना रहे हो, कोई भी इंस्ट्रक्शनल कुछ भी बना रहे हो, उसके लिए आपको ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स, ओके 6 to 12 के जो ग्रेड्स है उसका कोई भी लेसन लेना है. ओके, तो आप लोअर ग्रेड्स का लेसन नहीं लोगे, बिकॉज आप बीएड कर रहे हो तो आपको हायर ग्रेड्स लेना है, दैट मींस सेकेंडरी सेक्शन. सो यू विल टेक एनी सब्जेक्ट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड. नाउ द सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू योर स्ट्रीम. इफ यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड आप कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकते हो. इफ यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड आप लैंग्वेजेस ले सकते हो, सोशल साइंस ले सकते हो, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो आप साइंस या मैथ्स का कोई भी एक चैप्टर चूज करो. ओके, अभी सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, आप में से किसको पता है लेसन और चैप्टर के बीच का डिफरेंशिएशन? इफ यू ऑल कैन जस्ट टेल मी क्विकली इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लेसन एंड अ चैप्टर? Mostly we use these two words interchangeably, right? कभी हम chapter बोल देते हैं, कभी हम lesson बोल देते हैं. So please write it in the chat box what you think is the difference between a lesson and a chapter. Okay, Natasha is saying chapter is entire topic and lesson is for a particular period.
यशस्वी सेइंग चैप्टर इज कोर्स कंटेंट. लेसन वी क्रिएट बेस्ड ऑन चैप्टर्स. चैप्टर इज द होल टॉपिक. ओके, चैप्टर इज वी गिव इंफॉर्मेशन एंड लेसन इज वी टीच. इज मोर एंड मोर और लेस सेम, राइट? चैप्टर इज कंटेंट बट लेसन इज व्हाट वी ड्रॉ कंक्लूजन. या यूजुअली वी से ना, वी हैव लर्नड मेनी लाइफ लेसन्स. Life teaches us many lessons. So we use the word lesson, you know, that we are learning something. And chapter, we say, one chapter of my life is over. Right? I'm moving on to a fresh new chapter. So ye words hum interchangeably use karte hain. Okay, I'm getting many responses. Chapter is pura topic ho gaya. Lesson is the value we learn. Yes. That is synonymously used ki lesson jo hota hai, usme humko value bhi mil raha hai. Lesson means something, but chapter means which contains all lessons. Okay? So, yes, somewhat you all have knowledge what is chapter and what is a lesson. But, you know what, when we had this session in first year, when we were last year in first year, so that time when Chetan sir had explained, he had explained it in a crystal clear manner, say, lesson jo hota hai, that is not connected. हाँ, प्लीज गौर कीजिएगा. लेसन जो होता है दैट इज नॉट कनेक्टेड. सो एवरी लेसन इज एन इंडिविजुअल इन इटसेल्फ. ओके, उसका कंटिन्यूएशन में कोई और पार्ट नहीं होता. लेकिन जो चैप्टर्स होते हैं उनका जो थीम होता है दोज आर कनेक्टेड. ओके, सो वी हैव इन कंटिन्यूएशन. यस, लेसन इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन टॉपिक बट चैप्टर्स आर इन कंटिन्यूएशन. तो चैप्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? कौन से सब्जेक्ट्स में ऐसे हो सकता है जहाँ पे चैप्टर्स होंगे, और लेसन्स कौन से सब्जेक्ट्स में हो सकते हैं? यस, एनीबडी इन द चैट बॉक्स? हिस्ट्री में चैप्टर्स होंगे. ओके, साइंस हैज चैप्टर्स, ट्रू. यस, लैंग्वेजेस वी हैव लेसन्स. ओके, तो जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको लेसन्स रहेंगे. जो एक लेसन अपने आप में ही पूरा है, किसी और लेसन से जुड़ा हुआ नहीं है. यस, ग्रेट ग्रेट रिस्पॉन्स. आई एम फीलिंग सो हैप्पी, यू नो, यू आर इंटरैक्टिंग. अदरवाइज आई फील आई एम, यू नो, टॉकिंग टू अ स्क्रीन, बट दिस इंटरैक्शन इज ग्रेट. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. ओके, सो यू हैव टू सिलेक्ट एनी चैप्टर और अ लेसन डिपेंडिंग ऑन the subject you are taking. Okay, and remember that your subject has to be related to the stream which you had taken in your CY BCom. Okay, means it is, you know, always better that you take a chapter, a subject which is you are relevant in that, you know, you are very good at it and you have learned it, you have detailed knowledge of it. So we are going to take any subject from there. Okay, now next thing is we have to make a PowerPoint presentation. Always remember, don't clutter too much. So you have to keep a limit of your PPT. Minimum of 10 slides, maximum of 15 slides. So anywhere between 10 to 15 slides is fine. Okay? So that is, humko 10 se 15 slides ke beech mein ka dhyan rakhna hai aur utni slides banani hai PPT presentation ke liye. अभी मैं आपको बता रही हूँ, आज हम प्रैक्टिकली एक डेमो करेंगे जिसमें हम देखेंगे किस तरह से पीपीटी का स्लाइड बनाना है. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा चैप्टर लिया है. जस्ट अ सेकंड. मैंने ग्रेड 6 का हिस्ट्री की बुक ली है जिसमें से मैंने ये चैप्टर सिलेक्ट किया है, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर. अब जब आप चैप्टर सिलेक्ट करते हो ना, तो आपको ध्यान देना है कि वो चैप्टर
कितना उसके अंदर कितना मैटर है, क्योंकि हमको बनानी है 10 से 15 स्लाइड, तो उतना मैटर भी होना चाहिए, राइट। दूसरा हमको ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी चैप्टर सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर का मैटर इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये मैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, जब इस चीज की मैं बात कर रही हूँ तो दिस इज टोटली असाइनमेंट के रिलेटेड। तो आप जो असाइनमेंट बना रहे हो राइट नाउ, या आप जब पढ़ाओगे तभी आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, राइट नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ असाइनमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप असाइनमेंट बनाओगे तो आप कोई भी सब्जेक्ट पहले आप डिसाइड करोगे अपना रिलेटेड सब्जेक्ट, उसमें से आप कोई भी चैप्टर, तो आप बुक को थोड़ा सा ये करोगे, स्कैन करोगे, उसमें से आप चेक करोगे कि आपको कौन सा चैप्टर रेलेवेंट लग रहा है, कौन सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो आप जो यूज कर सकते हो अपने पीपीटी के लिए, ठीक है। तो मैंने ये चैप्टर सिलेक्ट किया है, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अभी इसमें से मुझे पॉइंट्स निकालनी है, जरूरी नहीं है, अगर बहुत ही बड़ा चैप्टर है तो जरूरी नहीं है कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, पूरा चैप्टर मैं अपनी पीपीटी में डालूंगी, ठीक है। तो मैं इसमें से थोड़े बहुत यूनिट्स लूंगी, इफ इट्स अ वेरी बिग चैप्टर तो मैं कोई स्पेसिफिक यूनिट्स लूंगी कि मैं अपने एक पीरियड में इतना सिखा रही हूँ, ओके। तो सबसे पहले ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे किंगडम और एम्पायर के बीच का डिफरेंस है, जो मुझे ऐसे लग रहा है कि रेलिवेंट है, मुझे बच्चों को ये सिखाना जरूरी है, तो मैंने ये टॉपिक को सिलेक्ट किया है, ओके। उसके बाद में मुझे चैप्टर डिटेल में पहले खुद पढ़ना होगा, तभी मैं आगे किसी को भी सिखा सकूंगी, राइट। इसके बाद में मैंने देखा हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, मैंने ये सारा पूरा चैप्टर मैंने पढ़ लिया। तब अशोका के वक्त में क्या क्या था, तो मुझे वो मेरे बच्चों को बताना है, मुझे वो असाइनमेंट में भी यूज करना है, राइट। तो मैं ये पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ूंगी स्टार्ट से लेकर एंड तक। अशोका क्यों एक अलग टाइप का रूलर था, उसने ऐसे क्या किया था, उसका कलिंगा का वॉर जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो उसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ूंगी। अशोका का जो धम्मा था, एक उसकी एक पॉलिसी थी जो उसने अपनाई थी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उसने प्रैक्टिस की थी, वो धम्मा था, तो उसने क्या किया उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में पढ़ूंगी, और मुझे लग रहा है ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों को बताना, तो मैं वो बताऊंगी। अब मैंने पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लिया, ठीक है, तो समवॉट माई चैप्टर इज अबाउट टू एंड, ओके। तो ये मेरा इतना चैप्टर है, अब मैंने चैप्टर को पूरा गो थ्रू कर लिया डिटेल में, अब मैं स्टार्ट करूंगी अपनी पीपीटी बनाना। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, चैप्टर सिलेक्ट किया, चैप्टर जो इंटरेस्टिंग हो और जिसका मैटर इनफ हो कि हम 10 से 15 स्लाइड बना सकते हैं। इसके बाद में हम बनाएंगे अपनी पीपीटी, तो आई स्टार्ट विथ माई पीपीटी। अभी मैंने अपनी पीपीटी के लिए टेम्पलेट सिलेक्ट करनी है, तो मैं कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टेम्पलेट सिलेक्ट की। अब इसमें मुझे कलर्स मिल रहे हैं, तो मैं अपने हिसाब से अपनी चॉइस पे कोई भी एक पर्टिकुलर जो मुझे लग रहा है कि जिसपे अच्छा लगेगा वैसे मैं स्लाइड सिलेक्ट करूंगी। से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ब्लू कलर की स्लाइड सिलेक्ट की है और मैंने क्रिएट किया है। अभी फर्स्ट स्लाइड में क्या आएगा, फर्स्ट स्लाइड में आएगा हमारा टाइटल, ठीक है। तो मैं लिखूंगी अशोका द एम्परर, साथ ही साथ यहां पे मुझे अपना नाम लिखना बहुत जरूरी है, किसका असाइनमेंट है ये, तो उसके लिए सेकेंड जगह पे मैं अपना सब हेडिंग जो रहता है वहां पे मैं अपना नाम दूंगी और उसको क्लियरली विजिबल होना चाहिए, तो वो फॉन्ट साइज और वो सब मैं देख के उसको सिलेक्ट करूंगी।
चाहे ना उतना हम उसको क्रिएटिव बना सकते हैं. ओके अब मैंने अशोका द एम्परर ले लिया है तो दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड जो इंट्रोडक्टरी स्लाइड होगी आपकी. ठीक है आपने ये लिया उसके बाद में आप न्यू स्लाइड पे जाओगे. यहाँ पे जाके मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ मुझे कौन सी स्लाइड लेनी है. जैसे मैं फर्स्ट स्लाइड में अपनी डिटेल्स डाल रही हूँ. ठीक है अब ये जो स्लाइड है दैट इज माय जो हमारा फर्स्ट है ना एडी मॉडल का ए पार्ट. So that is my analysis. Okay, so ये मेरा analysis part है. तो मैंने इसको ले लिया. मैंने सोचा इसको थोड़ा सा colorful कर देती हूँ. तो colorful कर दिया. अब एनालिसिस पार्ट में आपको क्या लिखना है तो वो चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है जिसको देख के पता चलेगा कि आपका पूरा असाइनमेंट किससे रिलेटेड है. राइट तो जैसे कि इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट. तो कौन सा सब्जेक्ट है ये मैं लिखूंगी. सब्जेक्ट है मेरा हिस्ट्री. ओके उसके बाद में मुझे लिखना है बोर्ड कौन सा है. बहुत जरूरी है ना बोर्ड. एसएससी बोर्ड की बुक भी हो सकती है. इट कैन बी आईसीएसई बोर्ड ऑल्सो. आईबीसीएसई की बुक भी आप ले सकते हो. तो एग्जैक्टली कौन से बोर्ड की बुक मैंने रिफर की है ये पूरा असाइनमेंट बनाने के लिए. तो मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है. मेरा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड लिया है मैंने. उसके बाद में मैं स्टैंडर्ड लूंगी और चैप्टर लूंगी. तो कौन से स्टैंडर्ड के लिए मैं ये वाली पीपीटी बना रही हूँ और कौन सा चैप्टर है मेरा. तो स्टैंडर्ड 6 के लिए मैं बना रही हूँ. मेरा चैप्टर है अशोका द एम्परर. इसके अलावा अब मैंने क्या लिया है तो मैंने पूरा चैप्टर नहीं लिया है. मैंने उसमें से 2 यूनिट्स लिए हैं. तो आई हैव टू राइट द नेम ऑफ बोथ द यूनिट्स. तो मेरा फर्स्ट यूनिट कौन सा है. A very big kingdom is equal to an empire, and second one is लिया है अशोका का धम्मा. यानी उसके बारे में व्हाट वाज अशोका धम्मा. तो मैं उस यूनिट के बारे में समझाऊं. इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगी जब भी आप पीपीटी बनाओगे तो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. आपका पूरा ये करने का पीछे का जो मोटिव है क्या उद्देश्य से आप ये बना रहे हो पीपीटी वो बहुत ही जरूरी है. तो हमको इस फर्स्ट स्लाइड में ऑब्जेक्टिव लिखना बहुत जरूरी है. तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे लिखूंगी. मेरे ऑब्जेक्टिव्स है फर्स्ट थिंग पीपल एक्वायर्स नॉलेज अबाउट किंग अशोका इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ हिस्ट्री. तो बच्चे को नॉलेज मिलना चाहिए किस बारे में. मेरे ये लेसन से बच्चे को पता चलना चाहिए कि किंग अशोका जो थे वो हिस्ट्री में एक बहुत ही फेमस एक ग्रेट रूलर की तरह पहचाने जाते हैं. सेकेंडली पीपल एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अशोका धम्मा. तो अशोका का जो मेन प्रिंसिपल था उनका जो धम्मा पॉलिसी थी उसके बारे में बच्चे को नॉलेज मिला है कि नहीं तो वो जानना बहुत जरूरी है. जो मेरा ये पूरा चैप्टर है वो उसको ये पार्ट सिखाएगा. तो दैट इज द 2 यूनिट्स जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ. इसके बाद में मुझे फर्स्ट अपनी स्लाइड में ये भी लिखना है कि मैंने इवैल्यूएशन के लिए कौन सा टाइप लिया है. मैं किस तरह से इवैल्यूएशन कर रही हूँ.
तो ओके मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लूंगी जिससे मैं बच्चों को पूछ के उनका इवैल्यूएशन करूंगी क्या उनको समझ में आया कि नहीं आया, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लाइन. आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, एनालिसिस जिसमें आप सब्जेक्ट लिखोगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, साइंस है या मैथ्स है या हिस्ट्री है, लैंग्वेज है, बोर्ड कौन सा है, आपने कौन से बोर्ड की बुक सिलेक्ट की है, कौन से स्टैंडर्ड के लिए आपने ये बुक सिलेक्ट की है, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर का नाम आपको लिखना है, यूनिट उसमें से, अगर बहुत बड़ा चैप्टर है जरूरी नहीं है कि आप एक ही पीरियड में पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले हो, तो आपने कौन सा पर्टिकुलर यूनिट सिलेक्ट किया है. उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके, तो आपको इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है. प्यूपल एक्वायर्स नॉलेज अबाउट किंग अशोका एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ हिस्ट्री. हमको ऐसे नहीं लिखना है, टीचर के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखना है कि टीचर taught students to learn about Ashoka. यहाँ पे कहीं भी टीचर का नाम नहीं आएगा. हमको बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखना है कि बच्चे ने वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया जो हमने उसके लिए जो उद्देश्य सोच के रखा था, जो मेरा ये चैप्टर का मेन एम है, जो गोल है, वो क्या बच्चे ने उसको समझा और उसको पूरा कर पाया. तो वो बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिखना बहुत जरूरी है. Pupil acquires knowledge about King Ashoka as one of the greatest rulers of history. आपको दो ऑब्जेक्टिव, दो से तीन ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, ज्यादा नहीं. कभी कभी ऐसे होता है ना कि एक चैप्टर में से हमको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, सिखाने मिलती है, बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है, बट यहाँ पे आपको फर्स्ट स्लाइड में सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव को जॉट डाउन करना है. लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इवेल्युएशन लिखे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपने लिए हैं तो आप वो लिखे कि मैंने इवैल्यूएशन इस मेथड से लिया, एमसीक्यूज पूछे और बच्चों को आंसर करने को मिला, ठीक है. इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट इसके ऊपर. अभी हमारा जो थर्ड स्लाइड है वो कौन सा है, तो इसके लिए हम ए के बाद आता है सेकेंड इज डिजाइन. तो हमारा डिजाइन बोर्ड रेडी होना चाहिए, राइट? तो अभी हम बनाने जा रहे हैं अपना डिजाइन बोर्ड. ये जो डिजाइन बोर्ड है अच्छा मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, ये जो एनालिसिस है ना इसको सरफेस एनालिसिस भी बोलते हैं, जहां पे हम ऊपरी तरीके से बता रहे हैं ऑन अ होल, यू नो कंप्लीशन में बता रहे हैं कि हमने कौन सी चीजें इस पूरे पीपीटी में डाली है. सो दैट इज आवर सरफेस एनालिसिस. डिजाइन बोर्ड जो होता है दैट इज योर स्टोरी बोर्ड, इसको हम डिजाइन या स्टोरी बोर्ड बोलते हैं. जो हमारा स्टोरी है, किस तरह की हमारी स्टोरी है, हम इसको किस तरह से डेवलप करना चाहेंगे. अब यहां पे मैं क्या लिखूंगी, यहां पे मैं अपना पूरा जो ये होता है पूरे चैप्टर में से जो जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं उसका जस्ट एक जिस्ट लिखूंगी, ओके? तो जैसे सबसे पहले मैं लिख रही हूं कंसेप्ट ऑफ एम्पायर एंड किंगडम. तो ये सबसे पहले मैंने समझाया बच्चों को कि एम्पायर और किंगडम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किंगडम क्या होता है, एम्पायर क्या होता है. उसके बाद में एक छोटी सी हिस्ट्री अशोका के एम्पायर की, वो मैं उनको समझाऊंगी कि अशोका का एम्पायर किस तरह से डेवलप हुआ, ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट में जब जाऊंगी तो मैं उनको एक ग्लिम्स बताऊंगी, एक छोटी सी झलक बताऊंगी अशोका के एम्पायर की. नेक्स्ट मैंने लिया है अशोका और ग्रेट रूलर, कितना ग्रेट था, तो उसमें ऐसी कौन सी खासियत थी, कौन सी खास बात थी, उस बारे में मैं बच्चों को बताऊंगी. तो दैट इज माय नेक्स्ट पॉइंट. इसके बाद मैं लूंगी ये तीनों टॉपिक्स, अशोका अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. तो अशोका जो थे उन्होंने किस तरह से बुद्धिज्म को अपनाया और तरह से उन्होंने स्प्रेड किया बुद्धिज्म को, तो जो भी भगवान बुद्ध की जो भी टीचिंग थी
उनको वो किस तरह से फॉलो करते थे और किस तरह से वो अपनी लाइफ में अपने जीवन में उन्होंने अपनाया था। कि बाद में हम देखेंगे अशोका पॉलिसी ऑन धम्मा, किस तरह से उन्होंने धम्मा को अपना एक जीवन का एक अहम अंग बना लिया था और फिर जो उन्होंने सीखा सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उन्होंने उसको स्प्रेड भी किया। तो किस तरह से स्प्रेड किया, धम्मा का जो नॉलेज था उन्होंने किस तरह से पूरे विश्व में फैलाया, तो उसके बारे में हम सब सीखेंगे। तो ये सारे जो मेरे पॉइंटर्स है, तो आपको बहुत जरूरी है समझना कि आपको ये सारी चीजें डिटेल में नहीं लिखनी है। डिजाइन जो है आपका स्टोरी बोर्ड, तो उसमें सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट्स ही डालने हैं, ठीक है। तो ये आपके बुलेट पॉइंट्स हमने डाल के अपना स्टोरी बोर्ड बनाया, ओके। तो ये हो गया हमारा स्टोरी बोर्ड। इसके बाद में अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब स्टोरी बोर्ड बनाया है कि ये चीजें मैं सिखाने वाली हूँ, तो इसको हमको आगे भी तो करना है ना। तो अभी हम बताएंगे कि किस तरह से हमने स्टोरी बोर्ड को डेवलप किया। तो हम सबसे पहला पॉइंट लेंगे कंसेप्ट ऑफ एम्पायर एंड किंगडम, ठीक है। तो मैं एक न्यू स्लाइड लेती हूँ, अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ, तो मैं कंपैरिजन की स्लाइड लूंगी, ओके। मैम आपके प्रेजेंटेशन दिख में रहेंगे, एक सेकेंड। हम Presentation is visible, no problem. And if any doubts, please ask in chat box. Sir, I stop. It is visible. It is visible. Okay, sir, I'll start again. Is it visible even now? If any technical problem रहेगा ना, कोई भी chat box में पूछिए, सामने से मत पूछिएगा. Recording में problem हो रहा है. अभी मेरे को भी बोलना पड़ा. So I'll just continue. अभी हम बात कर रहे हैं एम्पायर वर्सेस किंगडम। अभी ये सारी जब मैं स्लाइड्स बना रही हूँ, तो मुझे कंटिन्यूसली अपने जो पीडीएफ है, अपना जो चैप्टर है, अपनी जो टेक्स्ट बुक है, उसको रिफर करना है, उसमें से ही मैटर लेना है, ठीक है। तो अब मैं चाह रही हूँ एम्पायर वर्सेस किंगडम की ओर। अब मैं इसमें से अपना पूरा डिटेल्स डालूंगी जो पॉइंटर्स होंगे, ओके। तो एम्पायर क्या होता है? एम्पायर जो होता है वो एक किंगडम से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, राइट। तो वही हम यहाँ पे एज कंपैरिजन हम डालेंगे कि जो एम्पायर है, जो एम्पायर है वो किंगडम से किस तरह से डिफरेंट है। तो हम एक डिफरेंशिएशन की स्लाइड बनाएंगे जहां पे हम एम्पायर और किंगडम के बारे में समझाएंगे। तो एम्पायर इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स और रीजंस रूल्ड बाय अ मोनार्क, ठीक है। एक राजा जो बहुत सारे कंट्रीज और स्टेट्स पे रूल करता है, उसको हम एम्परर बोलते हैं। और ज्योग्राफिकल एरिया वाइज वो लार्जर रहता है किंगडम से। एग्जाम्पल्स भी हम देंगे, जैसे कि रोमन एम्पायर है, ब्रिटिश एम्पायर है। किंगडम जो रहता है वो एक किंग या क्वीन के बारे में रूल होता है, लेकिन वो स्मॉल रहता है। जैसे कि अलग अलग किंगडम्स होते हैं, सऊदी अरेबिया का किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम है, तो ये सारे स्मॉल होते हैं, उस तरह से हम डालेंगे। अभी देखिए धीरे धीरे हमारी स्लाइड बढ़ते जा रही है और पूरा बन रहा है, ओके। अभी मैं आपको एक नई स्लाइड ले रही हूँ, सॉरी ये वाली है। हम एक न्यू स्लाइड लेंगे जहां पे हम, अभी देखिए हमारी स्लाइड थोड़ी सी डल सी लग रही है, राइट। तो अभी ये हमारे ऊपर है, हम किस तरह से क्रिएटिविटी करके उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर हम बच्चों को ये स्लाइड दिखाएंगे तो काफी कुछ मैटर है लेकिन पिक्चर्स नहीं है, तो
तो हमको क्या करना है, इसमें पिक्चर्स भी डालनी है, राइट? तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पिक्चर्स डालने की कोशिश करेंगे, ओके? जैसे मैंने ये एम्परर अशोका और चाणक्य का पिक्चर डाल दिया, तो अभी मेरी स्लाइड धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अच्छी बनती जाएगी। सेकेंड जो मेरा है वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अशोकास एम्पायर, राइट? हम इतने जाके चेक करना है, हमने एम्पायर और किंगडम की स्लाइड बना दी, अभी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अशोकास एम्पायर, तो अब हम इसके बारे में लिखने वाले हैं, राइट? तो हमने फुल कैप्स कर दिया, हमारा जो मन पसंदीदा फॉन्ट है वो ले लिया, जो कलर हमको चाहिए वो ले लिया, नहीं अच्छा लगा तो चेंज कर दिया, ठीक है? तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उसके थ्रू हम वर्क करके अपनी स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ पिक्चर तो काफी नहीं है, अगर हमको ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अशोका एम्पायर है तो हमको उसके बारे में डिटेल्स भी तो लिखनी पड़ेगी ना, थोड़ी बहुत, जितना हो सके हम बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे, जिससे हमारी पीपीटी क्लटर्ड नहीं लगेगी, काफी नीट एंड क्लीन लगेगी। अभी हमने इसको थोड़ा सा कलर दे दिया, हिसाब से एडजस्ट कर लिया, okay। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी, ऐसे तो पीपीटी में बहुत सारे हमारे पास यू नो टूल्स एंड टेक्निक्स है, जैसे कि ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, जो आप लोग आगे की सारी पीपीटी जितनी बनाओगे उसमें यूज कर सकते हो, बट लेट मी जस्ट टेल यू ऑल, ये जो पीपीटी आप बनाओगे उसका आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके आपको वर्ड फाइल में डालना है, तो फिर आपके ट्रांजिशंस और एनिमेशंस उसमें दिखने वाले नहीं है, क्योंकि वो स्लाइड शो होके नहीं चलने वाली है, तो उसका आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट्स एक एक स्लाइड का लेना रहेगा, तो आप उसको जितना कलरफुल बनाओगे उतना अच्छा दिखेगा। आपके हिसाब से फॉन्ट चूज कर सकते हो, फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हो, नो जिसमें बच्चा विजिबली देख सके और क्लैरिटी से उसको समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये हो गया फाइव। अभी मैंने आपको पांच स्लाइड ऑलरेडी बता दी है। नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी एक पीपीटी है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी, तो आपको एक बार फिर से मैं ये स्लाइड शो के थ्रू बता देती हूँ, क्योंकि बना के लिए पीपीटी कैसे दिख रही है, ओके? तो फर्स्ट स्लाइड में हमने डाला है चैप्टर का नाम और अपना खुद का नाम। सेकेंड स्लाइड इज द एनालिसिस स्लाइड, जिसमें हमने सब्जेक्ट, बोर्ड, स्टैंडर्ड, चैप्टर, यूनिट, ऑब्जेक्टिव्स और इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें हमने इसमें इंक्लूड की है। नेक्स्ट है हमारा डिजाइन यानी कि स्टोरी बोर्ड, इसमें हमने हमारी स्टोरी के पॉइंटर्स को लिखे हैं कि हम इस पीपीटी के थ्रू कौन सी चीजें बताना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एम्पायर और किंगडम, तो एक चीज ध्यान रखिए, आपने यहाँ पे जितनी भी पॉइंटर्स लिखी है वो सारे पॉइंटर्स की स्लाइड्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तो अभी हमने फर्स्ट टू स्लाइड्स ऑलरेडी बना ली है, कंसेप्ट ऑफ एम्पायर एंड किंगडम और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अशोकास एम्पायर। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ और आप लोगों को एक रेडी स्लाइड, जो मेरी ऑलरेडी बनी हुई स्लाइड है, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जब आप बनाओगे तब। ये मेरी बनाई हुई स्लाइड थी, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तभी तब हमने ग्रुप वर्क किया था, तो दिस इज द नेम ऑफ ऑल द ग्रुप मेंबर्स, ठीक है? एनालिसिस में मैंने ये सारी चीजें डाली थी कि मैं कौन से ग्रेड के लिए बना रही हूँ, किस तरह से बना रही हूँ।
डिजाइन बोर्ड मेरा स्टोरी बोर्ड है जिसमें मैंने सारे पॉइंटर्स लिखे हैं। उसके बाद में मैंने एक एक पॉइंटर, जैसे फर्स्ट पॉइंटर है एम्पायर और किंगडम का डिफरेंस, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अशोका एम्पायर, तो मैंने वो वाली स्लाइड बनाई है। उसके बाद में अब ग्लिम्स ऑफ हिज एम्पायर, कहाँ कहाँ तक दूर तक उसका एम्पायर फैला हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक मैप यूज किया है जिसके थ्रू मैं बता रही हूँ कि जितने भी रेड पॉइंट्स डॉट्स मार्क है वो सारी जगहों पे अशोका रूल करता था, ठीक है। उसके बाद में मैंने पॉइंटर्स के थ्रू लिखा है कि अशोका ग्रेट रूलर कैसे था, ठीक है। उसने इंस्क्रिप्शंस शुरू किए उसके जमाने में, उसने कलिंगा को जीतने के लिए एक वॉर किया लेकिन बाद में छोड़ दिया, इवन आफ्टर विनिंग द वॉर, जीतने के बाद भी उसने छोड़ दिया, और ये सारा परिवर्तन उसने किस तरह से आया। हमिता मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट वी आर जस्ट एबल टू लिसन यू, योर स्लाइड्स आर नॉट मूविंग। ओके सर, वन सेकंड। आई रिक्वेस्ट यू दैट काइंडली एक्सप्लेन इट फ्रॉम फर्स्ट, मींस योर स्लाइड ओके। Explanation is audible, but slides were not moving in parallel with your explanation. Okay, sir. Okay. Just a second, sir. I'll present it again. फर्स्ट स्लाइड में मैंने अपना ये बताया है हेडिंग और नाम। अच्छा ये मेरा पहले का स्लाइड है, जस्ट अ सेकंड। रिसोर्स पर्सन टीम, बाय दैट टाइम इफ दे आर हैविंग एनी क्वेरीज इन चैट बॉक्स यू कैन रिजॉल्व देयर क्वेरीज ना पहले। सुचिता, रम्या, रोमी, प्रियंका, ओके एंड मोती, उज्जैनी, ओके ऑल ऑफ यू, ओके यू जस्ट कीप अ वॉच ऑन देयर डाउट्स। थैंक यू सो मच। सो इज दिस विजिबल नाउ? या इट इज विजिबल, इट इज विजिबल। ओके सो दिस इज this PPT which I had already made, since it was a group project, तो सारे group members के नाम है। इस बार आप लोगों का individual रहेगा तो आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है, तो मैंने heading लिखा है और अपना group के members के नाम लिखे हैं। Next, analysis में जिस तरह से मैंने आपको बताया हमको subject लिखना है, board लिखना है, stand, chapter का नाम, यूनिट लिखना है, कौन से यूनिट लिए हैं मैंने उस चैप्टर से, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है और मैंने इवैल्यूएशन कौन से मेथड से किया है। मेरी थर्ड स्लाइड जो है वो है डिजाइन की, स्टोरी बोर्ड की, तो मैंने अपने सारे पॉइंटर्स लिखे हैं कि मैं अपने पीपीटी में ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ। नेक्स्ट है, यानी ये मेरा जो है वो करस्पॉन्ड करता है मेरे टॉपिक्स को, तो ये जितने भी है हर एक पॉइंट के लिए एक स्लाइड होना जरूरी है, ठीक है। तो मेरी फोर्थ स्लाइड जो है वो फर्स्ट पॉइंट की है, एम्पायर वर्सेस किंगडम। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन किया है किस तरह से एम्पायर जो होता है, किंगडम जो होता है, उसमें दोनों में वो वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। इसके बाद में मैंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अशोका एम्पायर, तो अशोका के बारे में एक उनका किस तरह से, कौन, किसने स्टार्ट किया था वो एम्पायर, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो उनके दादाजी थे, कितने साल पहले, 2000 साल पहले। तो ये सारी डिटेल्स मैंने अपने चैप्टर में से रीड करके उसके पॉइंटर्स बना के अपने पीपीटी में डाले हैं, और साथ ही साथ एक फोटोग्राफ डाला है जो पूरे ये प्रेजेंटेशन को थोड़ा बहुत लाइवली बनाएगा। मैंने चाणक्य का जिक्र किया है, चाणक्य वॉज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, हिज आइडियाज वर कंपाइल्ड इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। तो ये सारी डिटेल्स मैंने अपनी स्लाइड में डाली है। उसके बाद में मैंने जैसे आपको बताया मैंने मैप लिया है, एक मैप के अंदर ये जो रेड पॉइंट्स है, रेड डॉट्स है, वो बता रहे हैं कि कितना दूर तक, दूर दूर तक अशोका का राज्य फैला हुआ था, ठीक है। तो इससे बच्चों को एक यू नो एक आइडिया आ जाती है कि अपने इंडिया में किस तरह से राजा पहले रूल करते थे उस जमाने में,
और कितना उनका विशाल होता था, उनका जो किंगडम होता था, जो राजघराना होता था। नेक्स्ट मैंने लिया है अशोका के बारे में समझाया है, तो उसने किस तरह से इंस्क्रिप्शन बनाना शुरू किया, उसने किस तरह से वॉर जीतने के बाद भी उसको छोड़ दिया, और उसने अपने आप को किस तरह से चेंज किया, अपने अंदर किस तरह से एक बदलाव लेके आया वो, तो वो सारी चीजें मैंने उसमें डाली है। नेक्स्ट मैंने देखिए अभी मैं सारी स्लाइड्स में फोटोज के साथ में ज्यादा क्लटर्ड नहीं करना है, हमको 4 से 5 पॉइंट ही लिखनी है, पॉइंटर्स नहीं, जितना लिखोगे आपकी पीपीटी ज्यादा अच्छी लगेगी। मैं ये डालूंगी अशोका के जितने भी टीचिंग्स हैं, उसने क्या क्या सीखा, धम्मा यानी क्या, तो उसका मीनिंग क्या होता है, सर्विस टू मैनकाइंड। मैंने बुद्धिस्ट एक फोटो डाला है, उसके बाद में अशोका की पॉलिसी क्या थी, तो नॉन वायलेंस एंड नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग बीइंग्स, लिव इन पीस एंड हार्मनी, चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड दे शुड बी ट्रूथफुल चैरिटेबल एंड काइंड टू ऑल। तो ये बेसिक धम्मा का जो पूरा बोलते हैं ना पूरा रस, वो इन तीन पॉइंट्स के अंदर हमको समझ में आता है, तो मैंने वो लिया है। और लास्ट की मेरी जो 10th स्लाइड है उसमें मैंने डाला है स्प्रेड ऑफ धम्मा, किस तरह से धम्मा स्प्रेड हुआ, किस तरह से अशोका ने अपना जो ये धम्मा की पॉलिसी थी उसको किस तरह से स्प्रेड किया। तो उसने महामाताज बनाए थे जो लोगों को दूर दूर तक जाके सिखाते थे, उसने ये इंस्क्रिप्शन अपने रॉक्स और पिलर्स पे भी काव किए थे, ठीक है, और उसके जो मैसेंजर्स थे वो अलग अलग कंट्रीज में जाके अपना ये पूरा बताते थे। तो अभी आप देखोगे कि ये मेरी 10 स्लाइड्स भी हुई है, लेकिन मुझे और 2 स्लाइड्स बनानी है MCQs की, ठीक है। तो MCQs जो है वो मेरा इवैल्यूएशन है, तो उसकी मैं और 2 स्लाइड्स बनाऊंगी लास्ट में, जिसमें मैं अपने MCQ क्वेश्चंस डालूंगी। आपको चाहिए तो मैं अभी एक सैंपल का आपको बता सकती हूँ कि किस तरह से हम MCQs डालेंगे और हमारी स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे 5 स्लाइड्स बनाई हैं। अब मैं यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस डाल देती हूँ, जिससे हम समझ सकेंगे कि किस तरह से हमको ये पूछना है, राइट? तो मैं कौन से क्वेश्चंस डालूंगी, हमको वो समझना बहुत जरूरी है कि हमको क्वेश्चंस कौन से डालने हैं, ओके? तो मैं डाल सकती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो सकता है हु रोट या हु वॉज चाणक्य, या फिर आप सिंपल ले सकते हो कि हु वॉज हेल्पिंग अशोका रूल हिज किंगडम, और ऑप्शंस भी आप दे सकते हो हेल्प अशोका यहाँ पे आप ऑप्शंस में दे सकते हो। तो ए ऑप्शन है हमारे पास चाणक्य, बी ऑप्शन में आप डाल सकते हो चंद्रगुप्ता मौर्य, इस तरह से आप 3 ऑप्शंस दे सकते हो। आप अपना इवैल्यूएशन की स्लाइड बना के रेडी रख सकते हैं। ये 2 स्लाइड्स में आपके 10 क्वेश्चंस आ जाने चाहिए, तो एक स्लाइड में ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है तो हमको ऑप्शंस भी देने हैं, ठीक है। तो ये हमारी इवैल्यूएशन की स्लाइड इस तरह से बन जाएगी, तो ऑलमोस्ट हमारे 10 स्लाइड्स पूरे स्टोरी बोर्ड के और 2 स्लाइड्स इवैल्यूएशन की, मीन्स हम वो जो लिमिट हमने बनाई है 10 to 15, तो हम उसके अंदर ही है और हम बराबर से अपनी चीजें कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में एक चीज आपको बहुत ही जरूरी है जो मुझे आपको बतानी है, वो है कि
अभी हमारा डिजाइन हो गया है, इसके बाद में जो थर्ड होता है एडी में, एनालिसिस हो गया, डिजाइन हो गया, जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कब होगा, जब हम वो पीपीटी को चलाएंगे, राइट। तो हम डेवलपमेंट पार्ट में सिर्फ इतना लिखेंगे, पीपीटी ऑन डैश टॉपिक वाज डेवलप्ड इन आईसीटी वर्कशॉप इटसेल्फ एज एन ग्रुप और इंडिविजुअल। तो आपका इंडिविजुअल है तो हम लिखेंगे एज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ विंडोज। अब मैंने 2013 विंडोज लिया है, अगर आपका 2007 है या 2010 है तो आप वैसे लिख के अपना ये सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, दिस सेंटेंस शुड बी एज इट इज। ओके, तो डेवलपमेंट पार्ट में हम लिखेंगे, फिर से मैं आपको बताती हूँ, पीपीटी ऑन डैश टॉपिक। तो यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम डालना है, वर्स डेवलप्ड इन आईसीटी वर्कशॉप इटसेल्फ एज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ विंडोज 2013। नेक्स्ट वी कम टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। आईडी का एडीडी हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। द डेवलप्ड पीपीटी शैल बी इम्प्लीमेंटेड। अब हमने कुछ बनाया है तो उसको हमको इम्प्लीमेंट भी करना है ना। ये पूरी हमारी पीपीटी हमने डेवलप की है कौन से टॉपिक के ऊपर, तो हम टॉपिक का नाम लिखेंगे। अब इस डेवलप्ड पीपीटी को हमने कहाँ पे यूज किया, तो शैल बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टैंडर्ड। तो अभी मैंने 6 स्टैंडर्ड के लिए पीपीटी बनाई है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टैंडर्ड 6 इन फ्यूचर ड्यूरिंग आर इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस है ये आपके एज इट इज आपको लिखने हैं, और ये हम कहाँ पे लिखेंगे, ये हम वर्ड फाइल में लिखेंगे जिसकी आपको टेम्पलेट मिलेगी। तो ये पूरी तरह से एज इट इज हमको लिखना रहेगा, ठीक है। और लास्ट में जो ई है वो इवैल्यूएशन के दो स्लाइड्स है जो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, राइट। हमने हमारी पीपीटी में दो स्लाइड्स लास्ट में इवैल्यूएशन की डाली है, तो वो हमारे ई पार्ट में जो इवैल्यूएशन पार्ट है उसमें हमारे दो स्लाइड्स आ जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू नो व्हाट, आई विल जस्ट मैं यहाँ पे रख रही हूँ ताकि आप लोग इसको दोनों चीजों को एक साथ देख सको। चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये दोनों सेंटेंस आपको आपके वर्ड फाइल में अटैच करने हैं, लिखना है एज इट। ठीक है, तो ये हमारा जो आईसीटी वर्कशॉप का जो मेन प्रैक्टिकल पार्ट था, जो पीपीटी हमको बनानी है, तो इस तरह से बनानी है जैसे मैंने आपको शेयर किया। 10 स्लाइड जितनी हो जाती है, कभी कभी अगर आपका मैटर ज्यादा है तो 12 पे भी जाएगी। 2 स्लाइड आप इवैल्यूएशन की रेडी रखो तो आपकी 14-15 स्लाइड में आपकी पूरी पीपीटी तैयार हो जाएगी। इससे ज्यादा बहुत ही यू नो प्रेशर आ जाएगा, बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा। तो पीपीटी का एक रूल ही होना चाहिए कि 10 से 15 स्लाइड के अंदर, मैक्सिमम 15 स्लाइड आपकी होनी चाहिए। तो इसमें आपका ये पार्ट हो गया। तो थैंक यू सो मच, आई होप आई एम क्लियर एंड आई हैव गिवन यू ऑल अ डेमो। आई ट्राइड माय बेस्ट, नो जितना सर ने हमको क्लैरिटी से समझाया था शायद मैं उतना अच्छी तरह से पता नहीं समझा पाई कि नहीं, बट कोशिश पूरी की है कि जितने भी पॉइंटर्स सर ने हमको बताए थे वो मैंने बताए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क इन द चैट। Amida, you explained very well. Thank you, ma'am. And see, some students, when you select your content, okay, accordingly, Amida ma'am has already told you that how you have to select the content, okay? Suppose you are from arts background, so you have to choose whether a language or social science, okay? In social science, you can take जोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, बट स्टैंडर्ड जो रहेंगे वो 6-12, आप लोगों के लिए 6-10 का ही आप विचार करो, ओके। 12 की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है वो 12 स्टैंडर्ड तक ले सकते। देन कॉमर्स स्टूडेंट, दे विल टेक 11 एंड 12 टेक्स्ट बुक एंड अकॉर्डिंगली दे विल डेवलप देयर कंटेंट इन दिस एडी मॉडल, ओके।
then science students they will take whether science or maths, okay, koi bhi ek subject. Gomti, Hamida, thank you so much. Very well done. Very good explanation. In chat box, more than me, I think our first year students are giving you receipt. Okay. Very well explained and all. Very nice. Very nice. Okay. You were so professional. Okay. So, now there is break, I think. So I really don't know, Suchita or any one of you can give the further instructions to the first year students. Sir, I have a doubt. Second, can I there are many doubts actually. Yes, ma'am, go ahead. Ma'am, I just want to ask, as I am a commerce student, so as you said that 11th and 12th textbook, okay, so am I supposed to take any like DK topics or any topics whatever mentioned in 11 and 12th standard? Suppose if I am taking 11th standard. Economics.